जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि आप जब ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तब आप एक सरकारी नौकरी की तलाश पे होते हैं, और सरकारी नौकरी अगर सितारे वाली हो तो फिर बात ही क्या, बात सितारों की हो रही है। जी हाँ, जब कंधों पर सितारे हों और या फिर अशोक एम्बलम हो तो फिर कहीं ना कहीं सीना और गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में जिसका नाम है CDS। जी हाँ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, मतलब संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। जी हाँ, CDS की बारे में बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको यूं ही बताए जाएंगे और हर एक कोर्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं CDS। CDS परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा है। इस परीक्षा का उद्देश्य भारतीय सैन्य अकादमी, जिसको हम IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी बोलते हैं, दूसरा भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA, भारतीय वायुसेना अकादमी यानी इंडियन एयरफोर्स अकेडमी IFA, और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी यानी OTA, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार भर्ती होते हैं। इसमें प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है। यह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, जो इच्छुक उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित पदों पर अपने देश की सेवा का अवसर प्रदान करता है। मतलब आप भारतीय सेना में अधिकारी पद पर जाकर अपने देश यानी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, उम्मीदवारों को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयता, आयु सीमा, वैवाहिक स्थिति, शिक्षक योग्यता और शारीरिक मानकों जैसे पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। परीक्षा में लिखित परीक्षा के बाद सेवा चयन बोर्ड यानी SSB द्वारा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मूल्यांकन सहित साक्षात्कार होता है। मतलब रिटेन परीक्षा के बाद आपको SSB इंटरव्यू से गुजरना होता है। CDS परीक्षा में 3 मुख्य पेपर होते हैं, एक अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और प्राथमिक गणित, मतलब इंग्लिश साइंस और जनरल नॉलेज और मैथ्स मैथमेटिक्स। इसके बाद बुद्धि और व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार होता है। अंग्रेजी पेपर उम्मीदवारों की भाषा कौशल में दक्षता का परीक्षण करता है, जबकि सामान्य ज्ञान पेपर वर्तमान मामलों और सामान्य ज्ञान के बारे में उनकी जागरूकता का मूल्यांकन। गणित पेपर उनकी मात्रात्मक योग्यता का आकलन करता है। आपको बताना चाहूंगा कि CDS एक और भी होता है बेटा, जिसको आप भारतीय सशस्त्र बलों के CDS का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कह सकते हैं, जो भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। भारतीय सशस्त्र बलों के CDS यानी रक्षा मंत्रालय के मुख्य सैन्य सलाहकार होते हैं। उम्मीदवारों को संयुक्त रक्षा सेवाओं के CDS का फुल फॉर्म यानी होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ भ्रमित करना चाहिए। तो आप इससे ये ना समझें कि कहीं ना कहीं कि ये दोनों एक ही है, दोनों अलग हैं। ये CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और ये CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है तीनों सेनाओं का। अब हम बात करेंगे कि CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि CDS परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। यह सबसे शीर्ष रक्षा परीक्षाओं में से एक है, जिसके लिए स्नातक करने वाले उम्मीदवार आवेदन करते हैं। दूसरी ओर NDA परीक्षा के लिए वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली या परीक्षा दे रहे हैं, मतलब अपेयरिंग या पास। CDS का जो कंडक्ट कराता है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, वो है बेटा UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम CDS को फुल फॉर्म होता है संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा। संचालन निकाय कौन हो गया इसका, संघ लोक सेवा आयोग। राष्ट्रीय स्तर की पर बात करता हूं तो राष्ट्रीय स्तर पर ये परीक्षा आपकी आवृत्ति वर्ष में 2 बार होता है, एक आपका अप्रैल में, दूसरा आपका सितंबर में होता है। इसमें भारतीय सैन्य अकादमी IMA, भारतीय नौसेना अकादमी INA, वायुसेना अकादमी IFA, ठीक IAF, एंड द अधिकारी प्रशिक्षण प्रणाली जिसको आप OTA बोलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होती है CDS की, तो CDS की जो चयन प्रक्रिया है वो है लिखित परीक्षा, SSB साक्षात्कार और चिकित्सक परीक्षण। ये 3 आपके चयन प्रक्रिया में आ जाते हैं। अब हम पात्रता मानदंड की बात करते हैं, तो CDS परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा रक्षा सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयता, आयु सीमा, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता और शारीरिक मानदंडों जैसे CDS पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन केवल तभी किया जाएगा जब उम्मीदवार SSB साक्षात्कार यानी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य हो जाएगा।
CDS की राष्ट्रीयता क्या है, कौन बच्चा इसमें भर सकता है, तो इसमें वही बच्चा भर सकता है इस फॉर्म को जो भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल का नागरिक हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे युगांडा, केन्या, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, जेरे, मालावी, इथोपिया या फिर वियतनाम से प्रवेश कर आया हो तो बेटा वो फॉर्म को भर सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ आयु सीमा की, आखिर CDS में जाने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। CDS आयु सीमा के साथ साथ आयु की कट ऑफ तिथि की घोषणा केवल आधिकारिक अधिसूचना पर की जाती है। स्कूल वार आयु सीमा के बारे में जानने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो CDS जो स्कूल है आपका, यानी आपका IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, कहाँ है आपका, देहरादून में। तो IMA के लिए जो आयु सीमा है वो है आपका 19 साल से लेकर 24 साल, यानी 19 से 24 वर्ष। वैवाहिक स्थिति, अविवाहित पुरुष ही इसमें फॉर्म को भर सकता है, मतलब IMA में केवल पुरुष उम्मीदवार ही भर्ती हो सकते हैं। अब वायुसेना अकादमी की बात करता हूँ, IAF की बात करता हूँ, तो वो उम्मीदवार जिसकी उम्र 20 साल से लेकर 24 साल है और अविवाहित है वही इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात करूंगा भारतीय नौसेना अकादमी की, तो जिस बच्चे की उम्र 19 साल से लेकर 24 साल है और वो अविवाहित है वही इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन केवल और केवल IMA, IAF और INA में पुरुष उम्मीदवार ही भर्ती हो सकते हैं। अब बात करने जा रहा हूँ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी की, जिसको बोलते हैं आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, यानी OTA। इसमें जाने के लिए आपकी आयु सीमा 19 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अविवाहित महिलाएं, निसंतान विधवाएं, पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए और निसंतान तलाकशुदा महिलाएं जिनके पास तलाक दस्तावेज हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, मतलब पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर IMA में या फिर वेरियस अकादमी में भर्ती होने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर नौसेना में जाने के लिए या फिर एयरफोर्स में या IMA में जाने के लिए हमारा जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। तो मैं आपका ये डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ IMA यानी भारतीय सैन्य अकादमी की। तो भारतीय सैन्य अकादमी में जाने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल और केवल डिग्री होनी चाहिए, बस। दूसरा बात करने वाला हूँ मैं IAF की, इंडियन एयरफोर्स की बात करने वाला हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री में 10+2 स्तर पर भौतिकी और गणित के साथ या फिर इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब अगर आप किसी विश्वविद्यालय से डिग्री होल्डर हैं और 12वीं में अगर आपने भौतिकी और गणित लेकर आपने पढ़ाई की है तो फिर आप IAF यानी इंडियन एयरफोर्स अकेडमी को डुंडीगल हैदराबाद को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इंजीनियरिंग की भी डिग्री है उसके स्नातक की तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की, जी हाँ INA की, इंडियन नवल अकेडमी यानी EG माला केरला की। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री अगर आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA की यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी पुरुष और महिला के लिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष होना चाहिए तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करने वाले प्यारे बच्चे CDS शारीरिक मानक की, आखिर आपका मानक दंड क्या होना चाहिए। तो सबसे जरूरी यहाँ पर आप देखेंगे कि संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अंधा हो, एक पैर ही ना हो, विकलांग हो तो वो चला जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए कि एकदम आपको वेल मेंटेन होना चाहिए, मतलब कहा जाए तो किसी भी बीमारी, सिंड्रोम, विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। उम्मीदवार को किसी भी जलवायु, इलाके, मौसम, समुद्र, हवा, दूरदराज के क्षेत्रों आदि सहित मार्गों पर सैन्य कर्तव्यों के दौरान कुशल प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवारों को किसी भी दवा या सहायता के उपयोग से मुक्त होना चाहिए। इसमें सब होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ नौसेना की, तो बॉडी मास आपका इंडेक्स 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। कमर से कूलू का अनुपात 0.9 से कम होना चाहिए, वहीं पर न्यूनतम ऊंचाई की आवश्यकता 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वायुसेना की बात कर लेता हूँ, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है।
ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर है। एयर क्रू में शामिल होने के लिए यानी बैठने की ऊंचाई, पैर की लंबाई और जांघ की लंबाई न्यूनतम, ठीक है, या अधिकतम कितना होना चाहिए मैं बता देता हूँ। तो मानदंड जो बैठने की ऊंचाई है न्यूनतम 81.5 सेंटीमीटर, अधिकतम 96 सेंटीमीटर। पैर की लंबाई 99 सेंटीमीटर न्यूनतम और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर। जांघ की लंबाई अधिकतम 64 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। बॉडी मास इंडेक्स की बात करें 27 से कम होना चाहिए। कमर से कोलू का अनुपात 0.9 पुरुष का और महिला का 0.8 से कम नहीं होना, कम होना चाहिए। कमर की परिधि 94 सेंटीमीटर पुरुष की और महिला की 89 सेंटीमीटर होनी चाहिए। CDS के लिए चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीदवारों को CDS चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद SSB साक्षात्कार शामिल है, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन लिखित परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है, वो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। दोनों राउंड में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची के लिए विचार किया जाता है। आज अब हम बात करते हैं CDS परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA, भारतीय नौसेना अकादमी यानी INA और भारतीय वायुसेना अकादमी AFA में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा पूरे भारत में ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जाती है और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। CDS परीक्षा पैटर्न के बारे में मोड विवरण जानने के लिए मैं नीचे अब बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से, जिस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सामान्य ज्ञान में की बात करें, अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है, अवधि 2 घंटे का होता है। अंग्रेजी की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। प्रारंभिक गणित की बात करें, अधिकतम 100 मार्क्स होता है, 2 घंटे का होता है, कुल 300 क्वेश्चन मतलब 300 मैक्सिमम मार्क्स होता है और टोटल 6 घंटे का पेपर होता है। वहीं अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA में प्रवेश के लिए सामान्य ज्ञान का आप देखेंगे तो 100, अंग्रेजी भाषा का 100 और कुल आपका 200 और 2 घंटे का पेपर होता है। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो CDS SSB साक्षात्कार के बारे में अब हम बात करेंगे। CDS लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को SSB साक्षात्कार दौर में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। CDS यानी SSB साक्षात्कार में 2 चरण की प्रक्रिया शामिल होगी और केवल चरण 1 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को चरण 2 के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर बात बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हो रही है, उसके बाद आप साइकोलॉजी या फिर GTO या फिर इंटरव्यू के बारे में समझ पा रहे होंगे। तो प्रथम चरण की बात करें तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसको हम OIR बोलते हैं, OIR टेस्ट होंगे, जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको आप PPDT बोलते हैं। OIR और PPDT दोनों टेस्ट में प्रदर्शन को स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करने पर विचार किया जाता है। चरण 2 की बात करते हैं, इसमें साक्षात्कार, समूह परीक्षण, अधिकारी कार्य यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण और सम्मेलन शामिल होंगे, जो आमतौर पर 4 दिनों की अवधि में होंगे। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, या फिर हम समूह परीक्षण अधिकारी जो आपका GTO होता है वो भी होते हैं, या फिर उसके बाद साक्षात्कार होता है और उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है। CDS की वेतन संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, जो आपका पात्रता होता है कि कितने पाने के योग्य हैं आप वेतन के, तो उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक वेतन 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये के वेतन के स्तर पर 10वें होगा। रैंक लेफ्टिनेंट की बात करें, जब आपके कंधों पर 2 सितारे होते हैं तो स्तर 10 है, आपका 56,100 से लेकर 1,77,500। कप्तान यानी कैप्टन की बात करें, स्तर 10 भी पहुंच जाता है आपका 61,300 से लेकर 1,93,500। और प्रमुख की बात करें, मतलब आप मेजर की बात करता हूं, तो मेजर में आप आते हैं स्तर 11 आ जाते हैं 69,400 से लेकर 2,07,200 तक। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करते हैं तो स्तर 12A आ जाता है 1,21,200 से लेकर 2,12,400 तक। कर्नल की बात करते हैं तो स्तर 13 पहुंच जाता है आपका 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक। वहीं ब्रिगेडियर की बात करते हैं तो स्तर 13A आ जाता है 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक। वहीं महासेनापति की बात करता हूं आपका, ठीक है, तो आप आ जाता है स्तर 14 आ जाता है 1,44,200 से लेकर 2,18,200। वैसे लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल, वहीं HAG प्लस स्केल, वहीं पर VCOS आ जाता है यानी आर्मी कमांडर, जिसको आप लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं, उसके बाद थल सेना अध्यक्ष आ जाता है जिसको आप जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा वेतन प्रक्रिया होती है, जो लास्ट आपका 2.5 लाख रुपये तक निश्चित होता है, मतलब आपका 2,25,000 निश्चित होता है आपका लेफ्टिनेंट जनरल का, और जनरल का जो होता है वो 2,50,000 निश्चित होता है। CDS एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी परीक्षा है और इसलिए उम्मीदवारों को विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए तैयारी सुझावों का सहारा लेना चाहिए। इसलिए हमारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी निरंतर CDS वाले बच्चों को बेहतर परीक्षा परिणाम देता है। हम देखते हैं कि बच्चों को रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ फिजिकल प्रक्रिया, मेडिकल फैसिलिटी, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट,
बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ बेहतर आर्मी डिसिप्लिन के तरीके पर वहां पर बच्चों को दिया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ छात्रों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ लोकप्रिय तैयारी हैक्स दिए गए हैं। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि संबंधित पद के लिए यूपीएससी द्वारा सुझाव गए पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ लें। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जब आप इंस्टीट्यूट में आएंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, तो आप देखेंगे कि हम उसी हिसाब से उसी स्कूलों के अलग अलग विषय और पैटर्न के हिसाब से हम सूचीबद्ध बनाते हैं और उसी हिसाब से बच्चों को हम तैयार करते हैं। हमेशा यूपीएससी सीडीएस की किताबों का सहारा लें। मतलब जो हम यूपीएससी की बुक्स होती हैं उसमें हम जो बुक्स का कलेक्शन क्वेश्चन का कलेक्शन निकालते हैं पीवाईक्यूज निकालते हैं वहाँ से, और बेहतर लेवल पर जब हम किताबों को बनाते हैं तो आप देखते हैं कि एक बेहतर पब्लिकेशन तैयार होती है जो कि सीपीडी यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का पब्लिकेशन तैयार होता है। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें, इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है, इसलिए हम रेगुलर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी फिजिकल ट्रेनिंग कराता है। और यूपीएससी सीडीएस परीक्षा नियमित रूप से दें, मतलब जब आप देंगे तब आपको पता चलेगा, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई बेटा, इसके लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको मॉक टेस्ट यूनिट टेस्ट बुक्स बैग किताबें एक बेहतर अधिकारी जो आपको इसके लिए तैयार करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जिससे हम आपको निकलना सिखाते हैं, ठीक है, और कैसे आप एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी फिटनेस को कितना मेंटेन रख सकते हैं, नॉकनी है, फ्लैट फीट है, टैटू है, उसका समाधान हमारे पास है, घबराना नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि आपको सेना में अधिकारी बनना है तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज यानी सीपीडीए प्रयागराज पर आप आ जाओ, जिसमें हमारा टोल फ्री नंबर नीचे दिया है 9415402422 पर आएँ, बस फ़ोन उठाएँ और कॉल करें, जस्ट कॉल आपका हमारे पास लगेगा और हम सारी डिटेल्स आपको विस्तार रूप से बताएंगे। बहुत ही कम फीस में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, एक बेहतर इंसान बनेंगे आप, एक बेहतर अधिकारी बनने के लिए हम आपको तैयार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।